अय्यर, घर के साफ सफाई की जिम्मेदारी ना हम दोनों की है। सफाई की जिम्मेदारी अकेले लेडीज की नहीं होती है। बराबर है भाभी साहब, लेकिन तुमको ऐसा नहीं लगता ये कुछ ज्यादा ही सफाई हो रही है? मतलब बबीता, ये तीसरी बार है। दो बार तुम कपड़े से सफाई कर चुकी हो, अब तुम मेरे को वैक्यूम क्लीनर से साफ करवा रही हो। हाँ पर अय्यर, वैक्यूम क्लीनर से छोटी से छोटी डस्ट भी निकल जाती है, इसलिए। बबीता, डस्ट का कोई पार्टिकल बचा नहीं है। अगर ये सोफे पर और सफाई करूंगा ना तो ये सोफे का कवर फट कर वैक्यूम क्लीनर के अंदर चला जाएगा। ये सोफा हो जाए ना तो वो देखो डाइनिंग टेबल के नीचे जो कॉर्नर है ना वहाँ पे भी प्लीज साफ कर देना। अय्यर, हमाम। अरे क्या हुआ? बबीता, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। क्यों ना ये सारा काम छोड़कर एक जायंट मैग्नेटिक वैक्यूम क्लीनर का रिसर्च करो। जायंट मैग्नेटिक वैक्यूम क्लीनर मतलब? जो पूरे घर की साफ सफाई एक ही झटके में कर देगा, इसलिए ये बार बार साफ करने का झंझट खत्म। यार राइट, वेल दैट्स अ वेरी गुड आइडिया मिस्टर अय्यर। बट यू नो वॉट, जब तक आपका उस मैग्नेटिक जायंट वैक्यूम क्लीनर का रिसर्च नहीं होता है ना, तब तक आप इसी वैक्यूम क्लीनर से काम चलाइए, ओके? मैं किचन साफ करके आती हूँ। ठीक है। थैंक यू बबीता। तुम अगर जो ये अभी वैक्यूम क्लीनर बंद नहीं करता ना तो मैं पूरा का पूरा ये वैक्यूम क्लीनर के अंदर होता। अय्यर, तुम्हें मेरी मदद करनी है कि नहीं करनी है? अरे ऑफ कोर्स करनी है बबीता। हंस, मेरी कुछ तो मदद करो। हाँ, मैंने कब मना किया कोमल? मना नहीं किया हंस, लेकिन मदद भी तो नहीं कर रहे हो ना। कोमल, मैं एक समोसा खा लूं? क्या है ना कोमल, समोसा खाऊंगा तो काम करने का थोड़ा मजा आएगा। अभी तो तुमने पेट भर के नाश्ता किया ना हंस। कोमल, काम का नाम सुनते ही वापस मुझे भूख लग गई। हंस, मैं तुम्हें एक नहीं सारे समोसे दे दूंगी। हाँ, so sweet कोमल, thank you, so nice of you। लेकिन मेरी मदद करने के बाद। कोमल। हंस। मदद। Smile. Good. Hans, ठीक से काम करो। ठीक से ही तो कर रहा हूँ कोमल। Hans, क्या ठीक से कर रहा हूँ? मैंने तुम्हें टेबल साफ करने के लिए कहा है और तुम्हारी नजर समोसे पर है। कोमल, माना मैं समोसा खा नहीं सकता, लेकिन देख तो सकता हूँ ना। हंस, मुझे कोई सफाई नहीं सुननी, तुम इस सफाई पर ध्यान दो। और हाँ, जब तक तुम अपने हिस्से का काम पूरा नहीं करते मैं तुम्हें समोसा चखने भी नहीं दूंगी। कोमल, ये अन्याय है। तुम्हें पता है समोसा मेरी कमजोरी है। हा? और किसी की कमजोरी का फायदा उठाना सही बात नहीं है। डॉक्टर साहब, जैसी बीमारी वैसा इलाज, तुमसे काम करवाने का यही तरीका है। अच्छा ठीक है, चलो तुम टेबल ऊपर नीचे से साफ करो, फिर ये सारे समोसे तुम्हारे। पक्का? हाँ ठीक है, करता। नाउ स्माइल अगेन। गुड। हंस, कहाँ हो? टेबल के नीचे। और टेबल के नीचे कैसे चले गए? कोमल, तुमने ही तो बोला था ना टेबल को ऊपर से और नीचे से साफ करना। हे भगवान, मैंने टेबल यहाँ ऊपर नीचे साफ करने के लिए कहा था, तुम टेबल के नीचे चले गए। चुप रहो, अभी तुम मुझे डांटना बंद करो, पहले मुझे यहाँ से बाहर निकालो। भगवान मेरी मदद करना, लाओ हंस हाथ दो। ये तुमने क्या किया? कमल, नहीं हो रहा वैसे। तो अब क्या करें? हंस, हंस, तुम्हें समोसे खाने हैं ना?
खाने। तो कोशिश करो। हाँ यस, बाहर आओ। बस, वेरी गुड। हाँ आते जाओ। वेल डन हंस। आज तो बाल बाल बच गए, वरना सफाई ने तो आज फंसा दिया था। मैं और मेरा छाता अक्सर ये बातें करते हैं कि तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं फटका लेता, तुम झाड़ू लेती, तुम छत साफ करती, मैं फर्श साफ करता। तुम मुझसे शीशे साफ करवाती, पोछे लगवाती, तुम ये कहती, तुम वो कहती। मैं सोचता हूँ कब से, जबकि मैं भी ये जानता हूँ कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो। मगर ये दिवाली का मौका है जो कह रहा है कि तुम यही हो, यही कहीं हो। ये पोपट ना होता बेचारा। अरे माधवी, वो मेरा जीजा। नशीब, कमर टूटते टूटते बची मेरी। मैंने आपको बोला था ना कि एक दो घंटे के लिए हॉल में मत आइए, मैं पोछा मार रही हूँ। फिर भी आप आ गए, एवढा काय महत्त्वाचं होतं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं था। वो मैं मेरा पुराना नीला कलर का कुर्ता ढूंढ रहा था घर में पहनने के लिए। वो नहीं, इस पे ऐसे स्ट्राइप्स है, ऐसे बिल्कुल ऐसे ही। अरे ये मेरा कुर्ता है। पोछा माधवी, मेरा कुर्ता है। कुर्ता था, अब पोछा बन गया है। तुमने मेरे कुर्ते का पोछा बना दिया, और मुझे पोछा भी नहीं, पूछा भी नहीं। सॉरी, मुझे भी इस बात का बहुत अफसोस है। ये काम मैंने पहले ही कर देना चाहिए था। आपको पता है, अपने कबड़ के कोने में से पिछले एक साल से एक आवाज आ रही थी, मुझे बख्श दो, मुझे माफ कर दो। मैं फट गया हूँ, मैं पुराना हो चुका हूँ, मेरी हालत बहुत खराब हो चुकी है। प्लीज प्लीज प्लीज, मुझे फेंक दो, फेंक दो, फेंक दो। फिर भी सिर्फ आपके लिए मैंने इसको फेंका नहीं, इसका पोछा बना दिया। सॉरी माधवी, माना कि ये कुर्ता बहुत पुराना हो गया था, फट गया था, लेकिन मैं घर में पहन सकता था ना। जब तक कपड़े पूरे घिस न जाए, उसका कलर उतर न जाए, वो फट न जाए, तब तक वो कपड़े पहनना जरूरी है। आपके पास दूसरे कुर्ते हैं ना घर में पहनने के लिए, तो उसमें से पहन लीजिए ना एक। जाइए बेडरूम में बैठिए, मुझे फर्श साफ करने दीजिए। लेकिन माधवी, मैं कुर्ता नहीं देने वाली। अरे कुर्ता कौन मांग रहा है माधवी? मैं ये बोल रहा हूँ कि ये तुम क्यों कर रही हो साफ सफाई? वो काम वाली बाई से करवा लेंगे ना। वो दिवाली आ रही है ना, तो काम वाली बाई की भी दिवाली होती है, तो कहाँ उनकी राह देखते बैठेंगे। इसलिए काम वाली बाई नहीं तो क्या हुआ, काम वाला आदमी तो है। कौन आदमी? ये आदमी, तुम्हारा आदमी, आत्माराम तुकाराम भिड़े। चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। नहीं नहीं, आप रहने दीजिए, मैं कर लूंगी। अरे काय राव दे माधवी, और वैसे भी इस पोछे पर ऑफिशियली हक मेरा है। ये कुर्ता मेरा है ना। काय को भाई, आप रहने दीजिए, आपसे नहीं होगा। मुझसे नहीं होगा माधवी, ऐसा कोई भी काम नहीं है जो गोकुल सोसाइटी का एक में सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भिड़े से नहीं होगा, समझी? पोछा लाओ, उधर बैठो, शांति से बैठो। मिकाय म्हणते, आप रहने दीजिए। माधवी, आंधी तूफान और भिड़े कभी नहीं रुकते। वैसे भी पोछा मारना एक आर्ट है, आर्ट मतलब त्रिज्या जितनी बड़ी होती है क्षेत्रफल उतना ही बड़ा होता है। ये देखो, ये हो गई तुम्हारी त्रिज्या, ये हो गया तुम्हारा व्यास।
एक मिनट, ये हो गया तुम्हारा सर्कल कंप्लीट। देखा तुमने? छान। एक ही बार में मैंने इतना बड़ा सर्कल कवर किया, इतना बड़ा क्षेत्रफल कवर किया। मशहूर लेखक तारक मेहता तकिए फूटते में। अच्छी भली कलम हाथ में थी। ए भगवान, क्या ये लाठी पकड़ा दी। मेहता साहब, क्या चल रहा है? डांडिया खेल रहा हूँ, दिख रहा है ना अब्दुल के सफाई कर रहा हूँ। हाँ हाँ, मैं भी दुकान साफ करके आया हूँ। कर दिया सारा माल साफ? कर दिया है? मतलब दुकान की सफाई कर दी ना भाई? हाँ, जाना जिधर जा रहा था। अरे वैसे भाई दो जा कर रहा था भिड़े भाई के पास जा। भिड़े का भी हाल देख क्या, हम लोगों को तो सजा मिली अब्दुल, वो तो स्वेच्छा से शहीद हुआ होगा। हैं? कुछ नहीं कुछ नहीं है? हाँ शर्मा जी, हाँ हाँ सामान पहुंचेगा। आपको जो गणित लगाना है लगाइए, लेकिन ये पूरा क्षेत्र अच्छे से साफ हो जाना चाहिए। हुँ? होगा भाई, पूरा साफ ही करो। अब्दुल भाई, अब्दुल भाई, अब्दुल उठो उठो उठो, संभल के संभल के संभल। भाई को कैसा चल रहा है? अरे हारू 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 है अरे। अब्दुल भाई सॉरी, दिवाली की साफ सफाई चल रही है ना, इसीलिए ये सब। आपको लगा तो नहीं ना? नहीं नहीं कहीं भी नहीं। सॉरी। आराम से आराम से। अब ये बताओ कि यहाँ पे किस लिए आया था तुम? किस लिए आया था ये बोल। अरे हाँ याद आया, याद आया, याद आया, बोलो। सोसाइटी ऑफिस गया था। हाँ। दिवाली डेकोरेशन की फाइल चाहिए थी। हाँ। वहां पर मिली नहीं, आप घर पे लेके आए? ये पूछने के लिए आया था। हाँ वो दिवाली डेकोरेशन की फाइल तुम्हें नहीं मिलेगी, वो मैंने रखी है, मैं तुम्हें देता हूँ, चलो। ऐसे जाओगे सोसाइटी ऑफिस में? मुझे तो ऐसे ही जाना पड़ेगा, आप चेंज करता हूँ, शाम को भी मिल जाएगा तो चलेगा। ठीक है। अब्दुल भाई संभल के। हाँ अरे बाप रे, काम वाड़ ले। आहो आप रहने दीजिए, मैं कर लेती हूँ। नहीं नहीं माधवी, मैंने बोला मैं करूंगा तो मैं करूंगा, तुम सिर्फ एक बार मुझे बकेट भर के लाके दो वापस। हाँ जाओ जाओ जाओ। आराम से ये, यहाँ पे फिसलन बहुत है। क्षेत्रफल वाढलंय। ओहो पूरा का पूरा गिल्ला हो गया, घर पे ही जाके चेंज करना पड़ेगा। अब्दुल भाई, ये क्या हो गया आपको? अरे टप्पू सेना, सोसाइटी में इतना धमाल हो रहा है और तुम लोग अभी आ रहे हो? मतलब हा? क्या हो रहा है? अरे तुम सबके मम्मियों ने अपने अपने घर में सफाई अभियान छड़ा हुआ है। आज संडे है तो आप सबके पापा भी काम पे लग गए। मतलब आज पापा लोगों की वाट है। तो फ्रेंड, जब हमारी सोसाइटी में सफाई का अभियान चल रहा है तो टप्पू सेना कैसे पीछे रह सकती है? नहीं नहीं, हमें भी कुछ करना चाहिए, बराबर ना? राइट राइट, बात तो सही है। कोई आइडिया? क्या क्या क्या? हम लोग सोसाइटी ऑफिस और क्लब हाउस की सफाई करते हैं। यस गुड आइडिया है। थैंक यू। अरे वाह वाह गोगी, क्या आइडिया है, एकदम परफेक्ट आइडिया। चलो फ्रेंड चलो 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 चलो। लगता है सबके घरों की शक्ल ही बदल जाएगी। अरे वाह,
साफ सफाई हो गई हो तो सारा कचरा जमा करके नीचे रख के आइए ना। आई आई। अरे आदिब भाई, पाया किया? ये देखो, तूने भी करके सफाई की है? ये देखो, अरे हाथी पर तुसी भी, अच्छी सारे कमाल है, माल हो गए यार। अचानक सब आजा आजा, चल जेठा भरा भी। अरे ये क्या, आप सपने में सफाई की? बोलो, माल हो गया। ये भी नहीं बचे? नहीं नहीं, कोई कोई। आप लोग, मुझे लगता है सिर्फ पोपटलाल बचा होगा, उसकी शादी नहीं हुई है ना। सही है, बच गया। ओ पोपटलाल अय्यर, तो पोपटलाल भी लपेटे में आ गया। तो हम वाले एक साथ सभी इसे कहते हैं मणिकांचन योग। मणिकांत का योग मतलब? मणिकांत नहीं जेठालाल, मणिकांचन योग मतलब कोई भी अच्छी चीज एकदम एक साथ होती है ना, तो उसको मणिकांचन योग बोलते हैं। इसमें अच्छी क्या हुई? हाँ। क्या चीज अच्छी हुई भाई? हालत खराब हो गई है, तुम्हें अच्छा लग रहा है? घर की सफाई तो हुई ना, लेकिन तो अच्छी बात है ना वैसे तो। सही बात। हाँ। अंजलि भाभी आपको क्या बताऊं, हमारे घर का सफाई अभियान तो जबरदस्त रहा, मजा आ गया। पहले पहले तो टप्पू के पापा ने इससे बचकर निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन बाद में हाथ में झाड़ू लेकर ऐसी सफाई की कि गजब की सफाई की। वो ना आज अय्यर ने भी घर का कोना कोना वैक्यूम क्लीनर से साफ किया है। सफाई करने के लिए मैंने हंस को समोसे की लालच दी। लो। अरे मेरे ये तो इतने उत्साह से काम कर रहे थे कि इनका उत्साह देखकर मुझे भी उत्साह आ जाता था। पर कुछ भी कहो, अपने पति के साथ घर की साफ सफाई करने का मजा ही कुछ और है। हाँ वो तो है, मैंने बोला था ना। इसका मतलब भले ही अभी हमारे पति देव थककर चूर चूर हो गए हो, लेकिन उनको भी हमारे सफाई अभियान में मजा बहुत आया है। राइट राइट दया भाभी, आई एम श्योर एब्सोल्युटली। दोस्तों एक तरफ है थके हारे पिटे योद्धाओं की तरह पतियों की टोली, और दूसरी ओर जीत और सुकून का जश्न मनाती पत्नियों की टोली। आज हम पतियों को पहली बार पता चला कि भाई हमारे घरों में इतना कचरा है, और ये भी पता चला कि इस कचरे को साफ करते हुए हमारी पत्नियों ने कितनी मशक्कत की होगी और वो करती। खैर ये तो स्वच्छता अभियान का पहला पड़ाव है, अभी तो घर की सफाई हुई है, अभी सोसाइटी की सफाई बाकी है। आप सोचिए तो जब शुरुआत ही इतनी मजेदार और हंगामेदार हुई है तो आगे आगे क्या होगा, कमाल होने वाला है। यहाँ सोसाइटी के इस स्वच्छता अभियान में आपके घरों में इतने ठहाके लगेंगे कि आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। देखते रहिए हमारे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।